हाय रुद्रशीष, वेलकम टू हाय लेट। हाय मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ है रुद्रशीष, जो एक ऑन स्क्रीन हीरो ही नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो भी है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की फिल्म छिछोरे से, और अब एक और बड़ी फिल्म के साथ ये आने वाले हैं। ये NDA और IMA से पास आउट है और आर्मी मेजर रह चुके हैं, कई साल हमारे देश की सेवा कर चुके हैं और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मुंबई में आए। तो रुद्राशीष, आप अभी मुंबई में ही हैं? नहीं, अभी मैं फिलहाल कोलकाता में हूँ। मैं अपने जो जर्सी का शूट था आधा हुआ था, उसके बाद कोलकाता आ गया लॉकडाउन की वजह से, ओके, तो तो अभी होम टाउन में। अभी जाने का कोई प्लान है वापस? नहीं, अभी वापस प्लान नहीं है, क्योंकि हम लोगों का शूट रिज्यूम होने वाला है कुछ दिनों में। तो जब शूट रिज्यूम होगा तो वापस यहाँ से, क्योंकि शूट का लोकेशन डिफरेंट है, इट्स नॉट मुंबई, तो शूट लोकेशन में डायरेक्ट जाऊँगा वहाँ पे शूटिंग के बाद, फिर देन आई विल गो बैक टू मुंबई। अभी सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं है मुंबई में। ठीक है, अब हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। इंडियन बिल्कुल। आर्मी से बॉलीवुड, मतलब कौन सा पार्ट, हाउ हाउ? अच्छा, ये चीज बचपन से स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया। तो ये हाँ बचपन से मेरा मेरा मतलब मेरा जो ड्रीम था, मैं आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। सो फर्स्टली आई चूज क्रिकेट। आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर। मैंने आर्मी टीम के लिए भी खेला है, एंड मैंने यू नो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए खेला है, जहाँ मैं अंडर 19 बंगाल में सिलेक्ट हो गया था। मैं गया नहीं था उस टाइम। मैं अपना जो मेरा स्कूलिंग है, मैं आई गेव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, RIMC बोलते हैं उसे, देहरादून में है। उसके लिए मैंने एग्जाम दिया। तो पर स्टेट आपके एक बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और उसका जो आपका है वो स्कॉलरशिप दिया जाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द एलीट स्कूल ऑफ इंडिया, मैं बताऊँगा आपको। क्योंकि यू नो जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में मैक्सिमम चीफ निकले हैं, वो उसी स्कूल से निकले हैं, ग्रेट फिगर्स। ठीक है, तो मतलब इट्स अ ग्रेट स्कूल। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि मैं उस स्कूल में गया, तो मैं क्लास 8 में ही चला गया। उस टाइम में मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मेरा था कि हाँ चलो मैं उस स्कूल को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मेरा एक्टिंग का पैशन था और क्रिकेट का पैशन था, और इवेंचुअली आई वेंट टू दिस स्कूल। तो एक्टिंग का मेरा इतना पैशन था कि जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी, तो 96 में मेरे पास एक जैकेट था। अब लेदर जैकेट तो था नहीं, तो मैं एक जैकेट पहन के सॉस लेके एक्टिंग करता था। वो जो लास्ट में फाइटिंग सीन नहीं होता है, जहाँ पे बंदूक से वो उसके फादर को मारते हैं, तो मैं सॉस वॉस लगा के एक्टिंग करता था। फिर मम्मी ने सॉस का बॉटल छुपा दिया, तो फिर मैं पानी के साथ वो एक्टिंग करने लग गया कि पानी को ब्लड समझता था। तो इतना पैशन था, मतलब वो चीज़ था मेरे में कि मैं करूँ हाँ कुछ। हाँ था। और मैं हाँ मिमिक्री भी बहुत अच्छा कर लेता था, मतलब उस टाइम में बचपन में सारे क्रिकेटर्स का, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सबका मिमिक्री करता था। तो ये चीज़ थी। फिर मैं स्कूल चला गया। तो जब मैं उस स्कूल में गया, तो आई रियलाइज कि कंट्री के लिए करने का एक और तरीका भी है, जो कि आपका इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और वहाँ पे जब आप डेली एक आप वहाँ पे रियूनियन होती है, तो जब आप देखते हो ना ऑफिसर्स आते हैं, तो वो जो जुनून आता है आपको कि कंट्री के लिए नहीं, मुझे करना है। सो दैट केम टू मी फ्रॉम माई स्कूलिंग। वो मेरे स्कूल से आया कि मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अपना करियर डेडिकेट तो करूँगा। एंड यस, आई हैड दी पैशन, कि मुझे पैशन था कि एक्टिंग करूँ या क्रिकेट खेलूँ। पर मैंने सोचा कि ठीक है, क्रिकेट में शायद आर्मी टीम से खेल लूँ कभी, या एक्टिंग का पैशन मैं अपने में था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जाऊँ कैसे, मैं करूँ कैसे। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ पे मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मुझे था, मेरा पैशन आर्मी के लिए काफ़ी बढ़ता गया जितना मैं स्कूलिंग में रहा। फिर मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी क्लियर कर गया, IMA कर गया, फिर मैं कमीशन हो गया। फिर मैं करते करते, आपका क्या होता है ना कि आप एक एक आई मीन आर्मी का 10 ईयर, आर्मी में ऐसा है कि आप कर्नल से ले लो, ब्रिगेडियर ले लो, कोई भी ले लो, दे आर एक्सट्रीमली फिट, दे आर टू गुड, मतलब बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे फिजिकल फिटनेस हो या मेंटल फिटनेस हो, सब कुछ मेंटेन करते हैं। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, जब आप बहुत सीनियर बन जाते हैं, तो आप एकदम से फील्ड में नहीं जाते, मतलब फील्ड में पोस्टिंग आती है आपकी, लेकिन बट देन यू आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन ग्राउंड। मतलब आप ग्राउंड में करेक्ट, ऑपरेटिंग थोड़ा कम करते हैं, एंड देन इट्स मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड यू नो टेकिंग द ग्रेटर डिसीजंस। तो मेरा था कि जब तक मेरा फिजिकल एबिलिटी है और जब तक मैं उतना कर सकता हूँ, मैं करूँगा। एंड आफ्टर दैट यू नो स्लोली 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 मैंने NDA में ड्रामा किया। मैंने NDA में ड्रामा जब किया, आई लव्ड इट सो मच। बहुत पनिशमेंट देते हैं NDA में जो ड्रामा करने जाते हैं, कि अच्छा बेटा तुम भागते रहते हो, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तुम भागने के लिए ड्रामा करते हो। लेकिन मैंने किया, और सीनियर ने मुझे काफ़ी पसंद भी किया, और फिर कुछ सीनियर इतने पसंद करने लग गए कि कोई और सीनियर पनिशमेंट दे रहा है, तो एक सीनियर बचा लेता था कि नहीं नहीं यार, ये बहुत अच्छा ड्रामा करता है, इसको छोड़ दे। तो ऐसा भी हुआ।
तो बहुत किस्म के मतलब चीज़ें फेस की मैंने एनडीए में, और बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, हार्ड ट्रेनिंग थी. तो तब मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग. तो और मेरा था कि अगर मैं कभी आर्मी छोड़ के जाऊँ, जब मैं मेरा मतलब मेरे को लग जाएगा कि नहीं आई हैव डन माई बिट फॉर द कंट्री, तब मैं इस पैशन को फॉलो करना चाहूँगा. बट आई डिड नॉट नो हाउ टू बी, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं मुंबई में जाता और मेरी फैमिली मुझे रख सकती. क्योंकि यू नो व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर, उसके बाद मैं खुद ही कर रहा था, खुद ही आपका क्या बोलते हैं सब कुछ देख रहा था, फैमिली का, मॉम डैड का. एंड माई सिस्टर वॉज मैरिड इन लखनऊ, आई मीन शी इज स्टिल मैरिड एंड राइट नाउ शी इज इन कोलकाता, अभी कोलकाता में ही है. तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने ये डिसीजन लिया, जब मेरा 6 साल का सर्विस हो गया, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक्टिंग के लिए जाना चाहता हूँ अब. तो आई वुड से मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था, और मैं ये मैसेज खास करके देना चाहता हूँ सभी फैमिली को कि कितना मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है जब आपका फैमिली सपोर्ट होता है. जब मैं बोला कि मुझे आर्मी छोड़नी है, मेरे मम्मी पापा मेरे पे डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और उन्होंने बोला कि देख तूने काफ़ी कुछ कर लिया, देश के लिए भी किया, फैमिली के लिए भी किया, अब इट्स टाइम दैट तू अपने लिए भी थोड़ा जी ले, तुझे ये चीज़ बचपन से ही पसंद है, तेरे में वो पैशन है, तूने हर जगह किया है वो, तो तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड यू नो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है. और इमिडिएटली मेरी दीदी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, शी हैड लेफ्ट हर जॉब एंड ऑल, बट अभी उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन किया, वो कोलकाता में शिफ्ट हुए. मेरे जीजा जी ने उनको सपोर्ट किया कि हाँ तुम कोलकाता में रहो, मैं विजिट करता रहूँगा, जबकि उनकी एक बेटी है छोटी जो कि 2 साल की है. तो वो शिफ्ट होके उन्होंने यहाँ पे कॉलेज में जॉब लेके अब वो शी इज़ रनिंग द फैमिली, ताकि मैं कर सकूँ, ताकि मेरे को ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे घर वालों को तो खाने को नहीं मिल रहा या रहने को नहीं मिल रहा. एंड ऊपर से मैं जॉइंट फैमिली का हूँ, तो ये मुझे बहुत, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, बिकॉज मेरे फैमिली में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई टेक केयर कर ही लेगा. तो ये चीज़ जो मुझे मिला ना सपोर्ट, तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी फैमिली को समझ में आना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यू नो वो कर रहा है, हम लोग इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं कर पा रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम क्या बताएं दूसरों को कि यार मेरा बेटा कब से कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा. वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना, ये चीज़ को जब आप लाखों में एक बनने जाते हो, तो आपको 2 साल में नहीं नौकरी होती है, ये नौकरी की तरह नहीं है कि 2 साल में लग जाएगी, तब आपको 10-12 साल कितना भी लगाना पड़े, लगना टाइम लगता है, तो उतना भरोसा दिखाना चाहिए. और एक इंसान में भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को जज कर सके हर जगह, कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं इस कंपटीशन के. मैंने छोड़ने से पहले मैंने अपनी छुट्टी, मैं अपने छुट्टी में घर नहीं आया, मैं अपनी छुट्टी में जाके प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स किया मुंबई से, फिर मैंने थिएटर किया. मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने मुझे परमिट किया, एटलीस्ट मेरे जो उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है तुम थिएटर करो, अपने आप को जानो कि क्या तुम उस लायक हो. तुम आर्मी छोड़ रहे हो ठीक है, लेकिन तुम उस लायक हो. तो जब मैंने किया तो मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि हाँ बचपन से स्किल्स है और अभी भी मैं कर सकता हूँ. तो वो फेथ आया मेरे में, वो सेल्फ बिलीफ आया. तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी बिगैन. और फिर मैंने छोड़ा एकदम से. मैंने एक चीज़ बचपन से सीखा है, डिसीजन लो, डिसीजन के बारे में सोचो. क्योंकि अगर मैं डिसीजन सोच लेता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, और फिर मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा मैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इतने कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाता है कि फिर आपको धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है. पहले आप कर दो, पहले आप डिसीजन लो, आप उसको एक्शन में बदल दो, और जब आप बदल दोगे फिर आपको तुरंत ना, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू वर्क फॉर दैट, कि आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने तो एक्शन ले लिया है. तो वही चीज़ था कि निकल पड़ो. तो मैंने फिर अपना सीधा पेपर पुटअप किया, और फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो फिर आर्मी ने मुझे जाने दिया. एंड सच बात यह था कि मैंने यही चीज़ रीज़न दिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एंड दैट इज़ वॉट दे अप्रिशिएटेड, कि बंदे में इतना हिम्मत है कि बंदे ने ये नहीं बोला मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा है, मैं ये चीज़ चाहता हूँ. बंदा फिर से स्ट्रगल भी करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्ट्रगल अगेन, एंड वो मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता है, और वो यही चीज़ बता रहा है. तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ना कि धीरे धीरे मेरा वो था कि मैं जाऊँ मुंबई. फिर मैं मुंबई गया, पीजी ढूंढा, और फिर मैं लग गया एक्टिंग में, क्योंकि मुझे था, क्योंकि आर्मी ने मुझे ये तो सिखा दिया था कि कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे आपको स्ट्रगल करना है, कैसे हर दिन जाना है. तो मैंने सिलेक्ट किया खास करके पीजी जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि जब आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ रहते हैं और आप डेली देखते हैं कि यार ये डेली काम पे जा रहा है, तो आप घर पे नहीं बैठ सकते, आपको लगेगा कि यार मैं काम पे चला जाऊँ. तो मैं उनके साथ घर लिया, और कितने अच्छे लोग मिले मुझे, ये मेरा लक अच्छा रहा है, मैं जहाँ पे भी गया हूँ मुझे अच्छे लोग बहुत मिले.
और अभी तक मैंने इसीलिए कोई नेगेटिविटी भी नहीं फेस किया है वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में, तो इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, और इस बात के लिए मैं मानता हूँ कि यू नो आई बिलीव इन, आई मीन आई हैव कम्प्लीट फेथ इन लॉर्ड शिवा, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैं ये चीज़ जान मतलब तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यू नो मैं अपना कर्म करता रहूँगा, मैं अपना फुल देता रहूँगा, एंड जो पाथ है वो मेरे लिए खुद ब खुद बनता रहेगा, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, जो कि मेरे हाथ में एक्चुअली में नहीं है। हमारा सिर्फ काम है काम करना, और बाकी जो पाथ है ना, और जब ऊपर वाले का होता है तो फिर वो रास्ता खुल जाता है, कहीं ना कहीं से आपको नहीं पता चलेगा कौन आपको मदद कर देगा, तो वो मेरे साथ हुआ है। तो दैट इज हाउ मतलब एकदम आर्मी से ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आज बता दिया, क्योंकि मैं मतलब पिछले कुछ दिनों से आई मीन इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी जहाँ पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आर्मी से एक्टिंग कैसे, मतलब कैसे। आर्मी में भी लोग करते हैं, मतलब ऑफिसर्स नहीं करते हैं, लेकिन आर्मी में बहुत ये चीज़ है, कल्चर है आपका, कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसमें ड्रामा वगैरह होता है, पीपल डू इट, जवान लोग करते हैं, डांसिंग्स होती है, मतलब बहुत ये प्रिवेलेंट है। तो इस वजह से मुझे बस अब यही डर है कि जैसे इंडियन आर्मी में ऑब्वियसली बहुत क्रिएटिव लोग हैं, डांसर सिंगर सब है, मुझे डर है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद कहीं वो लोग भी इंस्पायर ना हो जाए। नहीं बिल्कुल, अगर मेरे इसको देखने के बाद वो इंस्पायर हो जाए तो मैं कहूँगा कि ठीक है अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक चीज़ तो है कि यू नो आर्मी जो है, मतलब अगर आप में इतना टैलेंट है, अगर आपको लगे ना कि मैं आप बन सकते हो तो आप ज़रूर वो स्टेप लो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यू नो मैं बाहर, जैसे मैंने मनोज बाजपेयी सर का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ सब अकेले हैं, सब अकेले एंड सब एक कॉम्पिटिटर, और ये सच बात, ये चीज़ मैंने सीखा है, मतलब मेरे को कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं, कुछ अच्छे लोग मिले हैं, ट्रू, बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो हियर आर योर कॉम्पिटिटर्स, जो चीज़ आर्मी में नहीं है। आर्मी में आप कितने भी कॉम्पिटिशन में रहो, आप एक दूसरे के साथ हो, सब आपके ब्रदरन है। हाँ, वो ब्रदरहुड जो है ना, वो जो आर्मी एक दूसरे को टेक केयर कर लेती है ना, वो चीज मतलब इंडियन आर्मी से आई थिंक सारे ऑर्गेनाइजेशन को सीखना चाहिए, एंड मतलब मैं काफी इसीलिए मैं चाहता था कि मुझे कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि जब तक आप आर्मी में हो तो आप आर्मी के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि यू कैन नॉट इवन अपियर इन फ्रंट ऑफ मीडिया यू नो विदाउट द परमिशन और एनीथिंग, आप नहीं बात कर सकते। और जब तक मैं आर्मी में था मैं अपना फेसबुक भी नहीं यूज करता था, इंस्टाग्राम भी नहीं यूज करता था, तो ऐसा था। लेकिन अब जब मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ लोगों को कि हाउ गुड एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज, तो इट्स अ ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, और आई थिंक उनका सिखाया हुआ चीज़ ही मैं अगर फॉलो करता रहा तो समडे आई थिंक यू नो मुझे वो काम आएगा और मैं कुछ कर पाऊंगा। अच्छा, और एक और सवाल है कि जैसे कहते हैं इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, ये सबको पता है ना, बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है, लेकिन बॉलीवुड में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है ना, तो आपको कहाँ पे ज्यादा रगड़ा मिला? देखिए, अगर आप रगड़ा का बात बोलेंगे तो मुझे तो लगता है कि एनडीए आरआईएमसी से मैं स्टार्ट करूंगा, आरआईएमसी एनडीए और आईएमए में मुझे इतना रगड़ा मिल गया ना कि मुझे लाइफ में और कहीं पे मुझे नहीं लगता कहीं पे रगड़ा लग सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का रगड़ा हो सकता है। और जब आपको एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं इधर जाता हूँ ऑडिशंस के लिए, डेली जाता हूँ, घूमता हूँ एंड विदाउट एनी रिजल्ट वापस आ जाता हूँ ना, तब मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ बैठ के कि जब मैंने आरआईएमसी एनडीए आईएमए कर लिया और अफसर बन गया तो ये क्या चीज़ है, कुछ दिनों की बात है, कर लेंगे, तो ये चीज तो दिमाग में आता है कि जब वहां से निकल गया तो यहाँ से भी निकल जाएंगे, तो ये चीज़। चलो, यही जज्बा होना चाहिए मेरे ख्याल से, हर एस्पायरिंग जो हमारा आर्टिस्ट है उसमें यही जज्बा हो तो बेस्ट रहेगा। करेक्ट, ठीक है। तो अब आपकी अगली फिल्म आने वाली है जर्सी शाहिद कपूर के साथ, है ना, तो उसके बारे में आपने जैसे अभी बताया शूटिंग कम्प्लीट नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, तो उसमें आपका क्या रोल है? अभी मैं उसमें एक क्रिकेटर का रोल कर रहा हूँ, इट्स अ मूवी बेस्ड ऑन क्रिकेट, तो मैं उसमें एक क्रिकेटर का रोल कर रहा हूँ। ठीक है, शाहिद कपूर से आपका मतलब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कितना आपका इंटरेक्शन है? जी बिल्कुल हुई, एंड इंटरेक्शन रहा शाहिद कपूर सर से भी हुआ एंड पंकज सर से भी हुआ, पंकज कपूर इज ऑल्सो इन द मूवी, सो उनसे भी हुआ, एंड मतलब आई थिंक आई मीन ही सच अ कम्फर्टेबल, मतलब इतना कम्फर्टेबल को एक्टर है ना,
आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, मतलब कभी वही होता है ना कि आप जब जाते हो ना, तो जैसे नितेश तिवारी सर ने हमें सेट पे कंफर्टेबल कर दिया था ना, तो शाहिद कपूर इज लाइक दैट। उन्होंने आप मतलब उस उन्होंने ना सेट पे सबको, सारे उनके को एक्टर्स को कंफर्टेबल कर दिया कि यार तुम करो अपना, तुम सोचो मत, तुम करो। सो दैट इज व्हेन आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए आर्मी में रह के मैंने एक चीज सीखा, कुछ लोग प्रेशर में काम करते हैं, कुछ लोग फ्री हैंड देने पे काम करते हैं। आई थिंक कभी कभार जो आप फ्री हैंड देते हो ना, तो आपका रिजल्ट कुछ अलग ही निकल आता है। तो वो मौका मिला है उनके साथ रह के करने का, एंड काफ़ी अप्रिशिएटिंग है और काफ़ी अच्छे को एक्टर हैं। एंड जब आप उनको देखते हो, आई मीन जब मैं उनको पंकज सर को सेट पे देखता हूँ, तब लगता है कि नहीं यार इधर मतलब इतना मेहनत करना है कि यहाँ पहुँच सके। आई मीन द वे दे डू इट इतना इजीली, एंड कैसे कर लेते हैं वो थॉट प्रोसेस, वही ऑब्जर्व कर करके कर करके बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे तो लगता है कि इंसान का सीखने का कोई लिमिट नहीं होता, वो तो ज़िंदगी भर सीखता ही रहूँगा। एंड राइट, बहुत अच्छा चीज़ मुझे एज अ को एक्टर वो बहुत अच्छी लगे, एंड तो आई एम एंजॉइंग माई शूट इन जर्सी एक्चुअली। चलो हमें आपकी फिल्म का बहुत वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। अब हम एक और बात करते हैं। आजकल थोड़ा नेशनल इश्यू के बारे में आपको पता है, इंडो चाइना कितना टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, और आपने इंडियन आर्मी सर्व किया हुआ है। शायद आपके बहुत सीनियर्स, कॉलीग्स, जूनियर्स शायद इस वक्त LAC पे तैनात भी हो, करेक्ट। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो भी कंडीशन है, या हमारे देश के लोगों के लिए कोई भी मैसेज? यस, मैं देश के लोगों के लिए एक मैसेज दूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा से बोलना चाहता था, कि अभी लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ें बैन करो वो करो, और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, लोग काफ़ी फॉलो भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, जिनमें जो कि फौज से रिलेटेड ही नहीं है लेकिन उनमें बहुत जुनून और जज्बा है और वो मैसेज करते भी रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि यू नो एज अ कंट्री, अगर आप वो लोग बन पाए ना जिनके लिए, क्योंकि जब हम रहते हैं ना, अगर हम जिनके लिए कर रहे हैं इंडियन आर्मी सब कुछ, अगर हम उस उतने लायक लोग बन जाए और उतने ही अच्छे लोग बन जाए जो उनको फुल रेस्पेक्ट दे, तो इतना उनके लिए काफ़ी है। एज आई मीन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा बस इतना काम है कि उनको उनका रेस्पेक्ट दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे कैसी भी चीज़ हो, क्योंकि एक इंसान जब वहाँ पे सर्व कर रहा है उसको अपने लाइफ की परवाह सही में नहीं होती, वो भूल जाता है कि उसके बैक में क्या है, उसके घर में क्या हुआ है, क्या है? वो चला जाता है एंड यू नो बहुत बड़ा गैप रह जाता है उसके घर में। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि दे रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, जब कोई बात होती है तो दे बिल्कुल टॉपिक पे बात करते हैं, वो जज करते हैं। मैं बोलूँगा जज मत करिए, क्योंकि देखिए जो इंसान वहाँ पे खड़ा है ना, उसको बेस्ट पता है कि वो क्या कर रहा है। हम यहाँ से बैठ के हम शायद ना जज कर पाए, और मैंने ये चीज़ देखा है कभी कभार जो आप सोच रहे हैं ग्राउंड में बिल्कुल अलग चीज़ होता है, बिल्कुल अलग होता है, आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर होता है। तो यही चीज़ बताऊंगा कि बस उन पे भरोसा रखिए, फेथ कीजिए। आज तक इंडियन आर्मी ने कभी निराश किया नहीं है और करेगा भी नहीं, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ अपने दोस्त लोग सर्व कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, जो मेरे सीनियर सर्व कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इंडियन आर्मी इतनी केपेबल है कि कभी निराश नहीं करेगी अपने देशवासियों को। तो आप उनको पूरा रेस्पेक्ट दीजिए, और सिर्फ बोलने से नहीं, थोड़ा रेस्पेक्ट शो करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभार क्या होता है, आप कश्मीर से छुट्टी निकल गए तो आपका टिकट नहीं होता है, क्योंकि आपको बताया जाता है चल कल निकल जा, इमरजेंसी है। वो बंदा कश्मीर से जा रहा है केरला, सोचिए कोई केरला का बंदा है, कन्याकुमारी का बंदा है, मतलब वो जब ट्रेन में ट्रेवल करता है ना, तो वो मैं इस बात से TT वगैरह को थैंक्स बोलूंगा कि वो लोग जाने देते हैं, एक रिजर्वेशन के टिकट में उनको स्लीपर क्लास में शायद बैठने देते हैं, लेकिन वो इंसान डोर पे बैठ के अपना बिस्तर लगा के जाता है, और वो यूनिफॉर्म में होता है या उसका बैग से समझ में क्लियर आ जाता है कि ये फौजी है, चाहे BSF का है और चाहे किसी का भी, किसी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, पैरामिलिट्री का हो या डिफेंस फोर्सेस का हो। तो वो आप तब रिस्पेक्ट दिखाएं, आप तब उसको बताइए कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप जा सकते हैं। आप सोने को शायद ना दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसको बिठाइए उस सीट पे कुछ देर के लिए कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, जब आप सोने का टाइम होगा तब देख लेंगे कैसे भी। वो रेस्पेक्ट अगर मिल जाए ना, मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था तो मैं बताऊंगा, वो रेस्पेक्ट मिल जाए तो बहुत है। तो फिर इंसान ना एक्चुअली में, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मैं करेक्ट बात ये बोलना चाहूंगा, जो रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी से मिलता है और लोगों से मिलता है, दैट इज वॉट मैटर्स टू अस, हमें बहुत मैटर करता है।
तो ये चीज जरूरी है। और आजकल हमने देखा है बहुत कंप्यूटर वॉरियर्स आ गए हैं जो एक्सपर्ट्स बन गए हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया बॉर्डर पे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी उनके लिए अब वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, वो वॉरियर्स हैं, अब कंप्यूटर वॉरियर्स हैं। मैं उनके लिए तो क्या ही मैसेज दूँ, बस ये बोलूँगा कि सही है आपका जुनून जज्बा देश के लिए अच्छा लगता है देख के कि एटलीस्ट आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। लेकिन एक चीज़ यही है कि जिसके घर में प्रॉब्लम होता है ना, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या पर्सनल प्रॉब्लम भी अगर आप लगा दीजिए, अगर सोचिए कोई इंसान है उसके साथ कुछ हुआ है, वो एग्ज़ाम फेल हुआ है, उसका ब्रेकअप हो गया है, उसका कुछ भी हुआ है, मतलब उसके लाइफ में कोई चल रहा है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन वो क्या जा रहा है ना उसके दिमाग में या क्या चल रहा है वो हम फील नहीं कर सकते ना, वो हम समझ नहीं सकते, वो अकेला इंसान वो खुद ही जानता है और खुद ही उसको लड़के निकलना है। तो सिमिलरली ये बड़े स्केल में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी, तो एग्जैक्टली इंडियन आर्मी जानती है कि उनका जॉब क्या है और वो जानते हैं कि पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ करूँगा, कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सजेशन दीजिए, क्योंकि जहाँ सजेशन देना बंद हो जाएगा वहाँ शायद ये हो जाएगा कि अच्छे सजेशन भी नहीं आएंगे। कभी कभार कुछ लोग अच्छे सजेशन दे जाते हैं, 10 अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसा भी होता है कि एक सजेशन अच्छा आ जाए और लोग उसको मानते हैं फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल सजेशन दीजिए, लेकिन जब बोलेंगे तो एटलीस्ट सोचिए कि क्या आप बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोचिए या आपके कमेंट से पहले सोचिए कि क्या मैं जो ये कमेंट देने जा रहा हूँ विल इट अफेक्ट द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और विल इट अफेक्ट एनी बडी पर्सनली, ये सोचिए। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो सिखाया जा जो हमें आजकल नहीं सिखाया जाता है, हम लोगों को जज करते हैं उनके अचीवमेंट से कि चलो ये इतना बड़ा एक्टर है, चलो ये इतना बड़ा ये IPS ऑफिसर है, ये IAS ऑफिसर है, ये आर्मी ऑफिसर है, ये वो है, उससे जज करते हैं। मैं बोलूँगा कि इंसान भूल गया जज करना कि ये कितना अच्छा इंसान है, हम उस इंसान की रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं जो अच्छा है और शायद उसका मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट इतना ज़्यादा ना हो, चाहे एकेडमिक अचीवमेंट इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते कि वो ऑनेस्ट हो, वो जेन्युइन हो। तो मैं बोलूँगा कि अच्छे इंसान अगर हम बनना सीख जाए और अच्छे इंसान को रिस्पेक्ट देना सीख जाए ना, तो काफ़ी सुधार आ जाएगा। चलिए थैंक यू, आपको आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी फिल्मों का हमें इंतजार रहेगा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलते हैं कि यू नो पर्सनली बस एक ही मैसेज है लोगों के लिए कि जो मैंने अभी बताया आपको कि बस अच्छा इंसान बनना सीखें, और अगर हम अच्छा इंसान को तोलने लग जाएंगे कि ये अच्छा इंसान है, ये सच बोलता है, ये और ये यू नो ये चीज़ों को मानता है, अपने आदर्शों पे रहता है, तो ऑटोमेटिकली लोगों को इस चीज़ से फ़ख्र होने लगेगा कि हाँ मैं अच्छा इंसान बनूँ तो ही मेरी रिस्पेक्ट। तो लोग पहले अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स आती रहेगी, चाहे वो एकेडमिक हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक टाइम के बाद आप अपना एकेडमिक अचीवमेंट या कोई भी अचीवमेंट लेके जाने कहाँ वाले हैं, कहीं नहीं, वो डिग्रीज वो सारी चीज़ें वो रह जाएंगी। मैं मेजर था, अब मैं नहीं हूँ, यही प्रैक्टिकलिटी है, अब मैं फिल्म लाइन में हूँ, मैं मेजर था, तो वही चीज़ है कि आपकी अचीवमेंट्स रह जाती हैं। तो अगर हम अच्छे इंसान हैं तो आप हर जगह ही आपको यू नो टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल कीप डूइंग समथिंग दैट विल इम्प्रूव द सोसाइटी, जो हर चीज़ को इम्प्रूव करती रहे। चलिए थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू।